और इसी बीच एक बड़ा अपडेट बांदा से, जहां मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी और बांदा मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया गया है आईसीयू में। मुख्तार अंसारी का इलाज जारी है। बता दें आपको मेडिकल कॉलेज पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। मुख्तार अंसारी को यूरिन इन्फेक्शन बताया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। बता दें आपको कि लगातार तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और मेडिकल कॉलेज पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। मुख्तार अंसारी को डॉक्टर्स ने यूरिन इन्फेक्शन बताया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उन्हें उनकी तबीयत जो है वो इसीलिए खराब है क्योंकि उन्हें यूरिन इन्फेक्शन है। फिलहाल उनका इलाज आईसीयू में जारी है। बता दें आपको इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन का कड़ा पहरा है मेडिकल कॉलेज के बाहर और बांदा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद बांदा मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती कराया गया था। आईसीयू में चल रहा है मुख्तार अंसारी का इलाज और इसी बीच मेडिकल कॉलेज पुलिस छावरी में तब्दील है। भारी पुलिस बल तैनात है। मुख्तार अंसारी को सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि यूरिन इन्फेक्शन है, उसी का इलाज इस वक्त उनका किया जा रहा है। इससे पहले मुख्तार अंसारी अपनी जान को खतरा भी बता चुके थे। बता दें आपको उन्होंने कोर्ट में इस बात को कहा था कि उनकी जान पर खतरा है, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, उन्हें मारने की साजिश की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और अब बात सामने आ रही है कि उन्हें यूरिन इन्फेक्शन है जिसका इलाज आईसीयू में किया जा रहा है। विक्रम हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विक्रम, आपसे जानेंगे कि अब एक बड़ी बात सामने आ रही है कि आईसीयू में इस वक्त है मुख्तार अंसारी और उन्हें यूरिन इन्फेक्शन है शायद। जी देखिए, बिल्कुल कई टेस्ट कराए गए हैं, अलग अलग टेस्ट हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से प्रारंभिक लक्षण सामने आए थे जिसमें कि मुख्तार अंसारी को सीने में दर्द हुआ था और पूरे शरीर से एकदम से पसीना आने के साथ साथ बेचैनी बड़े स्तर पर हुई थी, उसी को लेकर कई टेस्ट कराए गए थे जिन टेस्ट में अभी ये बात निकल कर सामने आई है कि यूरिन इन्फेक्शन अभी मुख्तार अंसारी को हो सकता है। हालांकि अभी तक की कोई आधिकारिक सूचना किसी भी अधिकारी के द्वारा या किसी डॉक्टर के द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों को हवाले से बात निकल कर सामने आ रही है कि मुख्तार अंसारी को यूरिन इन्फेक्शन और सीने में दर्द को लेकर बड़े स्तर पर पहले से शिकायत थी और वही चीज निकलकर इसमें भी सामने आई है जिसमें कि मुख्तार अंसारी को पसीने और घबराहट की शिकायत बड़े स्तर पर मिल रही थी। हाल फिलहाल की स्थिति की अगर अभी बात की जाए तो बांदा में पूरी तरीके से मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी का इलाज चल रहा है, आईसीयू में भर्ती है। उनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है, परिवारजन पूरी तरीके से उनके मेडिकल कॉलेज पर पहुंच रहे हैं। पूरी मेडिकल कॉलेज को छावनी में बदल दिया गया क्योंकि पूर्वांचल में जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का दबदबा रहा है, डॉन कहे जाते हैं पूर्वांचल के मुख्तार अंसारी, तो साफ तौर पर है सुरक्षा के लिहाज से बड़े स्तर पर तैयारियां मेडिकल कॉलेज में की गई है। मेडिकल कॉलेज को चारों तरफ से पुलिस ने एक्वायर कर रखा हुआ है और जो जेल पुलिस है उसने भी एक्वायर कर रखा है। और इसमें बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी तक की जो मुख्तार अंसारी की कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उन सुनवाई में मुख्तार अंसारी लगातार इस बात की बात करते रहे, याचिका डालते रहे कि उनको जान का खतरा है, उनको खाने में सही खाना नहीं दिया जा रहा, उनके स्वास्थ्य की सुविधाओं को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। जब भी उनको लाया जा रहा है या वापस जेल में जब भेजा जा रहा है तो उस समय उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और जिसके कारण दो लोग अभी हाल फिलहाल जो चाहे जेलर की बात की जाए और दो डिप्टी जेलर। आप बने रहिए विक्रम हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्तार अंसारी से मिलने जा रहा परिवार, मुख्तार के भाई अफजल अंसारी भी रवाना हुए हैं। मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश रची गई है, ये बात अफजल ने कही है। मुख्तार अंसारी को दूसरे राज्य में रखा जाए, अफजल अंसारी ने ये बात कही है मीडिया से। बता दें आपको इस पूरे मामले को लेकर मुख्तार अंसारी से मिलने पहुंचे उनके भाई और उनका कहना है कि ये साजिश की जा रही है, उनको दूसरे राज्य में रखने की मांग भी की है उन्होंने। बता दें आपको इस वक्त आईसीयू में भर्ती है मुख्तार अंसारी और उनका परिवार उनसे मिलने अस्पताल पहुंच चुका है। इसी बीच अफजल अंसारी का ये बयान सामने आया है। अफजल ने कहा है कि उन्हें दूसरे राज्य में रखा जाए, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। विक्रम का रुख कर लेते हैं। विक्रम, आपका रुख करते हैं, ये पूरे इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो पहले तो उनके भाई कह रहे हैं कि ये साजिश है, जो बात पहले भी सामने आ रही थी, लेकिन इस जिस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ी है, क्या कोई मेडिकल हिस्ट्री के होने की संभावना भी है कि उन्हें इसकी कुछ दिक्कतें पहले से भी हों? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर मुख्तार अंसारी की तबीयत कई बार इस तरीके से खराब हो चुकी है और कोर्ट में भी कई बार मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हो चुकी है और शायद यही कारण था जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी कई बार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपनी पेशी में शामिल भी हुए हैं और शामिल होने की पेशकश भी करते हैं और इस तरीके की तबीयत मुख्तार अंसारी की कई बार खराब हो चुकी है। लेकिन हाल फिलहाल ये बात इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि पिछले एक महीने से लगातार जितनी भी पेशी मुख्तार अंसारी की हो रही है उन सभी पेशियों में मुख्तार अंसारी के वकील लगातार
जान का खतरा मुख्तार अंसारी को बता रहे हैं और बता रहे हैं कि उनको स्लो पॉइजन दिए जाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक की जो जांच हुई उस जांच में कहीं भी ये चीज खुलकर सामने नहीं आई है कि किसी तरीके की कोई पॉइजन या किसी तरीके का कोई गलत खाना मुख्तार अंसारी को दिया गया हो। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद पहले भी एक टीम गठित की गई थी, डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई थी जिसने मुख्तार अंसारी की पूरी जांच की थी और मुख्तार अंसारी कहीं ना कहीं जो अपने बेसिक जो उनकी दिक्कतें हैं उनको छोड़कर और पूरी तरीके से वो स्वस्थ थे। लेकिन कल जिस तरीके से सोमवार देर रात जिस तरीके से एकदम से उनको बेचैनी हुई, पसीना उनको निकलने लगा और उसके बाद जिस तरीके से उनकी तबीयत एकदम से बिगड़ी, तो उसके बाद से पूरी तरीके से फिर से प्रशासन एक्टिव हुआ और उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जांच पूरी तरीके से चल रही है और सारी बात तभी कही जा सकेगी जब आधिकारिक तौर पर कोई डॉक्टर या अधिकारी आकर उन पे पूरी डिटेल बताए। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि उनको यूरिन इन्फेक्शन की चीज निकल कर सामने आई है। हाल फिलहाल जिस तरीके से भी हमने दर्शकों को बताया कि उनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है कि वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए हैं और हाल फिलहाल उनके भाई जो है अफजाल अंसारी वो मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं जहां पर उनके अंडरटेकिंग पूरी तरीके से देखरेख किए जाने की बात कही जाए तो अफजाल अंसारी वहां पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, इसके अलावा उनके परिवार की मांग भी है कि दूसरे राज्य में रखा जाए। जब भी ऐसी कोई बात होती है तो लगातार उनका परिवार सामने आ जाता है। अब अफजाल का बयान है कि उन्हें दूसरे राज्य में रखा जाए, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, लेकिन इससे क्या फायदा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पुलिस की कस्टडी में रहते हुए उनके साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, साफ तौर पर है, इससे पहले की भी अगर बात की जाए तो मुख्तार अंसारी जिस तरीके से गुजरात की जेल में थे और उनको यहाँ गुजरात से लेकर जिस तरीके से अलग अलग जगहों से लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लाया गया था और उत्तर प्रदेश में कई मुकदमे ऐसे थे जो उनके ऊपर चलाए जाने थे, जिसके बाद से 7 मुकदमों में उनको सजा हो चुकी है और 1 मुकदमे में उनको उम्र कैद की सजा हो चुकी है। तो साफ तौर पर है कि मुख्तार अंसारी के ऊपर कई ऐसे बड़े मामले हैं जो संगीन धाराओं के मामले हैं। तो ऐसे साफ तौर पर है कि सरकार किसी भी स्तर पर ऐसा कोई प्रयास नहीं करेगी जिससे कि उनको दूसरे राज्य में भेजा जा सके, क्योंकि दूसरे राज्य में जाने पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सुनवाई होती है, जो केसी होती है, उसमें कहीं ना कहीं अनुरोध होता है और जो सजा देने की प्रक्रिया होती है कहीं ना कहीं उसमें लेट होता है। तो साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं इस तरीके का कदम देखने वाली बात होगी विक्रम, कि आखिर आगे क्या होता है, आगे किस तरह से परिस्थिति बदलती है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के।